प्रगट सिंह दा कैप्टन ते डायरेक्ट अटैक क्या अपने पीएस दी जायदाद दी भी जांच करवाउण कैप्टन प्रगट सिंह दे इल्जामां नूं मुख्यमंत्री ने नकारिया। पंजाब सरकार च पक्की पोस्टर वॉर अमृतसर च कैप्टन दे होर्डिंग बाद पटियाला च लगे नवजोत सिंह सिद्धू दे पोस्टर प्रगट सिंह बोले जिन्हां नूं कोई भुलेखा पै जावे ओही इसे तरह दीआं गल्लां करदे ने। एनकाउंटर च ढेर किए गैंगस्टर जयपाल पुलर दे परिवार ने पुलिस ते लाए इल्जाम क्या पुलिस गिरफ्तारी भी कर सकती सी कोलकाता च हुई सी मुठभेड़। राम रहीम नूं वार वार जेल तो बाहर लियाउण दे मसले ते किरी हरियाणा सरकार अंशुल छत्रपति ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख जज नूं लिखी चिट्ठी मामले च दखल दी कीती मंग। पंजाब दे कई जिलों च पारा पहुंचा 45 डिग्री दे पार 11 जून नूं पंजाब ते हरियाणा च मीं दी पेशनगोई राजस्थान दा गंगानगर सब तो गर्म शहर ते हिसार दूजे नंबर ते। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अते नवजोत सिंह सिद्धू विचकार लड़ाई पोस्टर तक आ गई है। पहला पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे हक दे विच अमृतसर विखे पोस्टर लगे ते हुण नवजोत सिंह सिद्धू दे हक दे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे जद्दी शहर पटियाला दे विच पोस्टर लगे ने। पोस्टरां नाल की हो जूगा जे किसी नूं कई बार ना भुलेखा पै जावे तां उह शायद कई बार इदां दीआं गल्लां करदा हुंदा वी मैं कैप्टन ही हाँ। कोई पोस्टर बाहर चलाउंदा गा कोई कुर्सी की लड़ाई च पिया गा कोई अपनी 2022 दी टिकट पक्की कर रहा। कांग्रेस दे इस पोस्टर वॉर ते खुश अपने भी नहीं ते तंज विरोधियां दे भी काफी ने। नवजोत सिंह सिद्धू दे शहर अमृतसर च कैप्टन दे पोस्टर लगे ते इधर कैप्टन दे जद्दी शहर पटियाला च नवजोत सिंह सिद्धू दे हमायतियां ने चौराहियां ते होर्डिंग टंग दित्ते। बोर्ड ते सिद्धू दी हमायत च लिखिया है सारा पंजाब सिद्धू दे नाल मंगदा है पंजाब गुरु दी बेअदबी दा हिसाब। पंजाब नूं ते इंसाफ पता नहीं कदों मिलेगा पर फिलहाल इन्हां दोवां लीडरां ते उन्हां दे हमायतियां नूं नसीहत कांग्रेस ही दे रहे ने। ये बच्चों की लड़ाई नहीं है पोस्टरां नाल की होजूगा जे कोई कहे भी हाँ बई जे किसी नूं कई बार ना भुलेखा पै जावे तां उह शायद कई बार इदां दीआं गल्लां करदा हुंदा वी मैं कैप्टन ही हाँ। मैं हुण मान लो सपोज मेरे वर्गे ने जे जे इंडिया टीम का कप्तान आ तो मैं कप्तान आ मैनूं कॉन्फिडेंस होना चाहिए भी मैं कप्तान आ किसी के कहण ना किसी के पोस्टर लाउण ना की हो जाता। ये जिहड़ी होर्डिंग लग रही है स्टेट च कोई कैप्टन साहब दे हक च लगा रहा कोई सिद्धू साहब दे हक च लगा रहा है जिंदा पार्टी है जिंदा मतलब पार्टी साड़ी कांग्रेस सुत्ती थोड़ा पई है ये शो करदा कि जिंदा दिल डेमोक्रेटिक लोग ने अपनी अपनी गल रखदे ने लोगां च। कांग्रेस ने सत्ता चोण तो पहला वादियां वाले सब्ज बाग पंजाब नूं दिखाए फिर 84-85% वादे वफा होने वाले दावे भी होए पर हकीकत की है सब दे सामने है किवें पंजाब कांग्रेस आपसी कलेश चुलजी है अजिहे च विरोधियों नूं तंज कसण दे खूब मौके मिल रहे ने। अज पंजाब दे जिन्हां मुद्दियां ते गल होनी चाहीदी है उन्हां सारे मुद्दियां नूं साइड ते रख के कोई पोस्टर बाहर चलाउंदा गा कोई कुर्सी दी लड़ाई च पिया गा कोई अपनी 2022 दी टिकट पक्की कर रहा कोई डिप्टी सीएम बनन नूं फिरदा गा कोई व्यक्ति जिहड़ा हैगा मंत्री बनन नूं फिरदा गा। सो कांग्रेस पार्टी इस समय जिहड़ी आ इस समय उह सत्ता दे भुखे सत्ता दे लालची व्यक्ति जिहड़े हैगे ने कांग्रेस पार्टी दे विच उह जद्दोजहद कर रहे ने कि साडियां फीतियां साडे मोढ़ियां ते फीतियां लग जाण। असीं भी कह दिया करांगे कि जदों कांग्रेस सरकार पंजाब च हुंदी सीगी उदों पंजाब विच असीं भी कदे मंत्री रहे सीगे। पंजाब च 80 सीटां वाली कांग्रेस दी मजबूत सरकार है पर लड़ाई सत्तवें आसमान ते है। कलेश नबेड़न लई कमेटी बनाई गई कमेटी ने सारे सूबे चो पार्टी दे मंत्री विधायक सांसद सब बुलाए किसे नूं ना छड्या इत्थों तक के हारे हुए लीडर भी बुलाए गए। पार्टी दे दिल्ली च वॉर रूम दफ्तर च 4 दिन परेड हुई रिपोर्ट भी बन गई हुण फैसला हाईकमान ने लैणा है पर सब दे दरमियान जो एक चीज नहीं रुकी वो कांग्रेसियां दा काटो कलेश है। सोनिया गांधी ने कमेटी की रिपोर्ट फिलहाल पढ़ी नहीं होगी तो उधर पंजाब कांग्रेस का झगड़ा खुल के बाहर आ गया। विधायक प्रगट सिंह ने चंडीगढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैप्टन अमरिंदर सिंह से कई सवाल खड़े किए ने। जे इन राइटिंग दे के आए आ क्लैरिफाई कर एक कन्फेशनल स्टेटमेंट आ कि ही इज रनिंग ए करप्ट गवर्नमेंट जे पीए आ जे पिछले 4-4.5 साल जिथे 7 स्टार होटल ते 7 स्टार ही लगभग मैरिज पैलेस। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ये सरकार कौन चला रहा है ये कितना चल रही है।
कांग्रेस च उठिया सवालों ते इल्जामों दा वावरोला रुकन दा नाम नहीं लै रहा। प्रगट सिंह दे सिद्धे तिखे सवाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे लई भ्रष्टाचार दे सवाल उठे तां प्रगट सिंह ने सवालों दे तीर दागे कैप्टन ते उहनां दे निजी सहायकां ते पुछिया कि चार सालों च इन्नी जायदाद किवें बनी। एक होर प्रथा चल पई पे जिहड़े पीए आ उहनां ते परचा साडे एक मंत्री दे पीए ते मेरा ख्याल है भी तीन चार महीने बाद या सत्त महीने बाद परचा दिता ते जिहड़े तुहाडे पीए आ जिहड़े पिछले चौं साढ़े चौं सालां दे विच जिथे सैवन स्टार होटल ते सैवन स्टार ही लगभग मैरिज पैलेसिस ते एक ओ एस टी तां उह आ भी एस टी एफ दी रिपोर्ट दे विच जिहड़ा राणू सरपंच फड़िया सी ते उहदा नां उहदे विच बोलदा कदी आपां किधर नूं अपना स्टाफ किधर नूं जाणा आपां किते तां खड़ जाईए। कमेटी सामने पेश होने बाद खबर आई सन कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ विधायकों से सवाल खड़े करके आए ने डोजियर सौंपया गया। हुण सवाल यह है कि आखिर कमेटी सामने अपने ही विधायकों का खाका दे के आने वाले मुख्यमंत्री कि इन्हां इल्जामों के घेरे च खुद नहीं आते। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं यह कहना चाहना कि यह तुसीं पब्लिकली दसो भी जे यह डोजियर गए आ तो ये करप्ट बंदे किहड़े आ। हैरानगी दी गल पता की है कि एक मिनिस्टर जिहड़ा दो बारी एक जमीन की कंपनसेशन लै गया वो अजकल जिहड़े शार्प शूटर बने रहे आ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कित्थे क तक आपां इन्हां नूं लुको लवांगे कित्थे क तक आपां सिलैक्टिव लीकेज करके सिलैक्टिव बंदियां दे डोजियर बना के ते जे हुण तक जे तुहानू सारियां इन्हां चीज़ां दा पता सी तां फिर आपां कित्थे खड़े आ। इन राइटिंग दे के आए आ तां फिर इह इन्हां दी इक कन्फैशनल स्टेटमेंट आ कि ही इज़ रनिंग ए करप्ट गवर्नमेंट। तीन मैंबरी कमेटी ने पंजाब कांग्रेस के कलेश से बनाई अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी नूं सौंप दिती है पर सोनिया गांधी ने अजे रिपोर्ट पढ़नी शुरू भी नहीं की होएगी तो इधर कांग्रेस का कलेश होर पक रहा है। पंजाब च कांग्रेसी विधायक कैप्टन नूं घेर रहे ने ते दिल्ली च पंजाब कांग्रेस इंचार्ज ने कि सब ठीक होने का दावा कर रहे ने। सबके व्यूज हैं उन व्यूज को आप अंदाज लगा सकते हैं। सारे विधायक गण मिले हैं जो कैंडिडेट रहे वो मिले हैं एमपीज मिले हैं फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के मिले हैं हारे हुए उम्मीदवार मिले हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट्स मिले हैं सभी लीडर साहिबान मिले हैं और जबकि हमने अपने लीडर्स के जो नहीं आ पाए जैसे अंबिका सोनी जी हैं उन सब के विचार टेलीफोन से भी जानने की कोशिश की। अंबिका जी ने तो अपनी डायरेक्ट रिपोर्ट भेज दी थी कांग्रेस प्रेसिडेंट को तो सबको सब करना उसको फाइनलाइज करना एक स्वरूप देना बड़ा काम था उसमें कुछ समय लग गया लेकिन हमने वो काम पूरा कर लिया। कांग्रेस च जिहियां बागी सुरां दा मुढ बनिया सी नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर रंधावा चरणजीत सिंह चन्नी भी मुलाकात कर आए बाद च सांसद प्रताप सिंह बाजवा भी जा मिले। कैप्टन भलाई किवें बर्दाश्त करदे इसे दरम्यान नवजोत सिंह सिद्धू ते सिद्धू दे स्टाफ मैंबरां खिलाफ विजिलेंस जांच दीआं खबरां आईआं। प्रगट सिंह वल्लों संदीप संधू नूं धमकी वालीआं खबरां नशर होईआं। कांग्रेस दे कई वड्डे लीडर दोवां दी हमायत च नित्तर आए मसला हाईकमान तक पहुंचिया कई दिन परेड हुंदी रही पर कांग्रेस च कैप्टन ते सवालां दी वाछड़ है कि अजे भी रुक नहीं रही। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। कोलकाता दे विच गैंगस्टर जयपाल भुल्लर अते उसदे साथी जसप्रीत जस्सी दा एनकाउंटर होया सी। इस एनकाउंटर दे एक दिन बाद जयपाल भुल्लर दे परिवार दे वल्लों कई सवाल खड़े किए गए ने। किहड़े सवाल चुके ने देखदे आ इस रिपोर्ट दे विच। कोई पता नहीं मैं कल दी बेहोश हां मैनूं कोई पता नहीं गैंगस्टर बनिया नहीं बनाया गया है। ए माड़ी संगत दा नतीजा जिसका अंजाम ये परिवार भुगत रहा।
सिस्टम ते सवाल खड़े कर रही है गैंगस्टर जयपाल भुल्लर दी मां है। पुत दी मौत दा दुख है, परिवार सदमे च है, पर कोस रहे ने उस राह नू जिस ते तुरे जयपाल ने खास दे खेड़ दे परिवार नू तबाह कर दिता। इस मां दी अखां च हंजू ने ते दिल च मलाल कि शायद वक्त रहिंदे रोकिया हुंदा तां जे हशर ना हुंदा। फिरोजपुर च घर है जयपाल दा, जिसनू कोलकाता च इनकाउंटर दौरान ढेर किया गया। परिवार ने जयपाल नाल नाते तो पहला ही तोड़ दिते सन, पर हमेशा लई तुर जाण दी पीड़ इस मां तो चली नहीं जा रही। मैं कुछ नहीं चाहना था। हाँ, मेरा पोती ही का। पैंती साल सी। कोई पता नहीं, मैं कल दी बेहोश हूँ, मैंने कोई पता नहीं। गैंगस्टर बनिया नहीं, बनाया गया है। गेम करता ही उतो मुंडा कोई रल गया जेड़ा है, पासे ले गया है, मैं गोला सुटता ही का। सवाल है परिवार पुलिस ते मौजूदा सिस्टम ते कर रहे हैं, एनकाउंटर दी था गिरफ्तारी ना करन दे इल्जाम ला रहे हैं। बड़े शौक नाल पालिया से उन्हें, बहुत खुराक खवाली उसके पिता जी ने। ये पिता जी बड़ी चंगी लाइफ के आदमी से, ते इन्हें जकदम मारन की गल की, ये नजायज की, माड़ी की। बहुत भला मानस, बहुत शरीफ बंदा सी। हाँ जी, उच्ची आवाज बोलता भी नहीं सका किसी ना, ये तक असी नहीं किसी ना लड़ता बोलता। वे एक अच्छा प्लेयर भी सी, बहुत वधिया प्लेयर सीगा जी, बहुत वधिया प्लेयर सीगा। समझाउण दा ते मतलब कोशिश की, जदों थोड़ा बहुता फस्ट टाइम ते सीगा माड़े मोटे लड़ाई झगड़े, बाद चो सिस्टम दे विच ही जदों ये वो चला गया, बाद साडे नाल कोई संपर्क ही नहीं हुआ जी उसका। उन्होंने फादर साहब ने कोशिश की बहुत उन्होंने समझाउण दी, मिलते रहे जेल च जाके, बाहर भी नाल भी उन्होंने रख के वेख्या, पर वो कहिंदा सीगा भी मैं सिस्टम ही इदां दा या भी मैनू जे मैं घर रहा तो तुहानू भी खतरा होगा, नाल मैं नहीं आ सकता। कोलकाता शहर न्यू टाउन इलाका ते शाहपुर जेन क्लेव, इसे घर च पुलिस दी गोली दा शिकार होया जयपाल। दो पुलिस अफसरां दे कतल तो बाद पंजाब पुलिस पाल रही सी, ऑपरेशन जैक शुरू होया ते नतीजा जयपाल दी मौत। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ते फिर मध्य प्रदेश ते ग्वालियर तो मिली लीड, ते फिर तार जा जुड़े बंगाल दे इस इलाके नाल। तो ऑपरेशन जैक के तहत एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जाल फैलाया गया, जो करीब 4-5 स्टेट्स में जाल फैलाया गया, जिसमें करीब 15-20 दिन से हमारे ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड थे। तो हमने सेंट्रल एजेंसीज के साथ, वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ तालमेल किया गया, गाड़ी की जो उसकी ओनरशिप वगैरह थी वो उसको इस्टेब्लिश किया, निकाला गया। एक भरत कुमार नाम के आदमी को आज शंभू से करीब 12:30 बजे के करीब उसको वहाँ से पकड़ा गया। वो जा रहा था दिल्ली की तरफ, तो वहाँ से उसको पकड़ के उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो इस शख्स ने, इसकी शादी हुई हुई है वेस्ट बंगाल में, उसके इन-लॉज उधर कलकत्ता में हैं, तो उससे पता लगा, स्पेसिफिक इनपुट्स मिल गई कि फलां फलां फ्लैट में इसने उनके साथ रेंट एग्रीमेंट वगैरह, इसी ने वो जगह लेके दी थी जहां जिस अपार्टमेंट पे ये लोग कलकत्ता में रह रहे थे। तो वो स्पेसिफिक इनपुट शेयर करी गई, उस पर काम किया गया। सो उन्होंने टीम इकट्ठी करी, एसटीएफ की टीम कलकत्ता, एसटीएफ वेस्ट बंगाल की टीम, और उन्होंने बहुत जब एंटर किया तो उन पर फायरिंग हुई। उसके बाद मुठभेड़ हुई करीब 3:30 बजे के करीब, तो उसमें ये दो वहाँ पे जयपाल सिंह भुल्लर जो फिरोजपुर का रहने वाला था। सो ये कहानी है जो आज वहाँ पे हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर दा बेटा आखिर किवें जुर्म दी दुनिया च आया ते गैंगस्टर बन गया, ये कहानी किसी फिल्म वर्गी है। जयपाल भुल्लर दे पिता पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर सन, शॉटपुट दा खिडारी सी जयपाल भुल्लर। 30 अप्रैल 2016 नूं पुलिस दी मौजूदगी दे विच जयपाल भुल्लर ने कतल कीता। गैंगस्टर रॉकी नूं सरे राग गोलियां मार के कतल कीता गया। सोशल मीडिया ते जयपाल भुल्लर ने इस वारदात दी जिम्मेवारी ली। 2016 तो ही अंडरग्राउंड सी जयपाल भुल्लर।
पंजाब पुलिस दे रिकॉर्ड च जयपाल खिलाफ 45 तो वध अपराधिक मामले दर्ज ने। जलंधर, लुधियाना, बठिंडा, चंडीगढ़ होर कई जिले ने जिथे मामले दर्ज ने। कतल, कतल की कोशिश अते डकैती दे 45 तो वध अपराधिक मामले ने। पंजाब च जुर्म की दुनिया च जयपाल वड्डा नाम सी। रॉकी दे कतल दे बाद ही जयपाल अंडरग्राउंड हो गया, कई वारदातों नूं अंजाम दिता। पुलिस लभदी रही पर जयपाल वारदात नूं अंजाम दिंदा ते फिर फरार हो जांदा, कई साल चकमे दिंदा रहा। पर यह हकीकत है कि जुर्म की दुनिया च अजिहा हनेरा हुंदा है जिस च पैर रखना जिन्ना आसान ते वापस परतना बेहद मुश्किल ते कईआं लई तां नामुमकिन हुंदा है। यह राह अजिहा जिसका दरवाजा या तो जेल दियां सलाखां पिछे खुलदा है या फिर पैदा हुंदा है खौफनाक मौत दा मंजर। पानीपत तो सैकड़े किसानों का काफिला दिल्ली वल गया। गुरनाम चुरुनी की अगवाई दे विच सैकड़े किसान दिल्ली वल रवाना हुए ने। किसानों का दावा है कि वह अंदोलन मजबूत करने के लिए दिल्ली वल जा रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि किसान अंदोलन कमजोर हो चुके हैं, ये उन्होंने भुलेख है। सैकड़े गड्डियां का काफिला तस्वीरां पानीपत दियां ने, जितों हज़ारां किसान रवाना होए ने दिल्ली दे लई। पानीपत दे टोल प्लाजा ते किसान इकट्ठे होए अते किसान लीडर गुरनाम चडूनी दी अगवाई दे विच दिल्ली वल कूच कीता। दिल्ली लई रवाना होण वेले गुरनाम चडूनी ने उन्हां लोकां नूं जवाब दिता जो अंदोलन नूं कमजोर पैण दीआं गल्लां कर रहे ने। हमें दिखा रहे हैं जैसे सरकार ये सोच रही है कि अब किसानों की संख्या कम होगी, हम दिखा रहे नहीं। एक जिले से इतने किसान आ सकते हैं, करनाल से हम लेके गए, अम्बाला से हम लेके गए, आज यहाँ से हम लेके गए हैं, जा रहे हैं हजारों हजार गाड़ी। सरकार को एक दिखाने के लिए कि हमारी संख्या कम हुई है, हमारा जोश कम नहीं है। पानीपत पहुंचे गुरनाम चडूनी ने केंद्र सरकार को सवाल भी किए ने। हम आपके माध्यम से सरकार से ये सवाल करते हैं, हमने वहाँ भी 11 मीटिंगों में 11 बार से ये सवाल किया कि इन कानूनों में किसानों का फायदा कैसे है, वो समझाए जनता को। ये कृषि कानूनों का नाम रखा है और कृषि व्यापार कानून है, ये वास्तव भाई व्यापारियों का तो फायदा हो सकता है, बड़े पूंजीपतियों का तो फायदा हो सकता है, लेकिन किसान का फायदा कैसा है, कैसे इसमें होगा, ये हमें वो 11 मीटिंगों में नहीं समझा पाए। और अब भी अगर उनके पास कुछ समझाने के लिए है तो मीडिया के माध्यम से देश को बताएं कि इनसे किसानों का फायदा कैसे हो। दिल्ली दिया ब्रोहां ते पिछले 6 महीने तो वादे समय तो अंदोलन चल रहा है। किसान तीन खेती कानूनों रद्द करवाने की मांग से डटे हुए ने। उधर केंद्र भी अपनी जिद से अड़ी हुई है। खेती मंत्री लगातार खेती कानूनों किसानों के हक के विच होने की गल कर रहे ने। इसी बिल किसान के हित में है, हमने किसानों से बातचीत की है, भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान रिपील के अतिरिक्त जो विकल्प लेकर आएंगे सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान करेगी। केंद्र अते किसानों के विचकार हुण तक 11 गेट की गलबात हो चुकी है, पर अजे तक मसला उथे दा उथे ही खड़ा है। पकौड़े हीरा कारोबारी मेहल चौकसी नूं डोमिनिका सरकार ने वड्डा झटका दिता। किहड़ा झटका लग्या देखदे आं ब्रेक तो बाद।